हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हम सब चीज़ें देख रहे थे, ट्रायंगल होता क्या है उसके बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे। अब आगे के जो दो लेक्चर आने वाले हैं, आज और नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा, उन पे हम ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक होगी तो मैं आपको बीच में ही बता दूंगा, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट कर देंगे, या तो आयत या वर्ग, ठीक है? चलिए तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखना, हमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है उसने? x। और हमें क्या दिया हुआ है उसने? ऊंचाई y। हमसे क्या पूछा है? 2x डिवाइडेड बाय 3y² की वैल्यू, यही पूछा है। देखो, हमें इसने क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, और हमसे पूछा है कि 2x डिवाइडेड बाय 3y² बताओ। क्षेत्रफल x दिया उसने और ऊंचाई y दी, हाँ कि ना? देखो, हम जानते हैं क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4a² किसका? समबाहु त्रिभुज का। ऊंचाई कितनी होती थी? √3/2 times of a। तो ये तो हो गया x, ये हो गया y, वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। देखो, 2 times of x √3/4a² डिवाइडेड बाय 3y², ये y है, इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 3/4a², हाँ कि ना? देखो, किससे क्या कट जाएगा? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट डाला, 2 से 4 कितनी बार काटा? 2 बार। तो यहां हमारा क्या बच गया? √3/2 whole divided by, देखो √3/2 whole divided by 3, 3 जा 9, और यहां पे कितना आ गया? 4, यही आया हमारा। अब ध्यान देना, हम बचपन में ऐसे करते थे, 2 divided by 3, 4/9 ऐसा होता था, तो क्या करते थे? यही तो करते थे, मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देते थे, हाँ कि ना? तो देखो, बेसिकली ये भी तो यही है, √3/2 whole divided by 9/4, यही तो है। तो क्या कर दूंगा इसको, मैं क्या लिख सकता हूं? √3/2, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो देखना, 4 को मैं 2 से काट दूंगा, तो 2 2 जा 4। देखो, √3 और 9 में कोई संबंध है क्या? बिल्कुल है, हमारा अभी बचा √3/9। अब देखो, मैं 9 को क्या लिख सकता था यहां पे? √3/√3 × √3 × 3, हाँ कि ना? देखो, √3 × √3 कितना होता है? 3, और 3 × 3 कितना हो जाता है? 9, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3√3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? आंसर। एक तरीका तो ये जो सबसे अच्छा है इस क्वेश्चन के लिए। एक और तरीका क्या हो सकता था इसका, हमने जब समबाहु त्रिभुज पढ़ा था तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, सिद्ध करके प्रूव करके, कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और जो ऊंचाई होती है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो हमारा रिलेशन आया था ऊंचाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3, यही आया था समबाहु त्रिभुज में। अब देखो, हमें क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? एक्स। ऊंचाई क्या दी हुई है उसने? वाई। तो बेसिकली हमारा जो रिलेशन आता था वो ये आता था, हाँ कि ना? हमसे पूछा क्या है? 2x/3y². देखो, यहां से यदि मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी आएगी? √3x। मतलब ये सब चीज हम जानते थे, बस वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा? 2x/3y² तो 3 × √3x, हाँ कि ना? 3y² तो 3y² की जगह मैंने वैल्यू रख दी, x से x काट दूंगा, आंसर कितना आएगा? 2/3√3, ठीक है? अब आपकी श्रद्धा है कि आप किस मेथड को चूज करते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि जो हमने पहला मेथड पढ़ा वो ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें हमें याद करने की जरूरत नहीं है। सेकंड मेथड में यदि हमें क्षेत्रफल और ऊंचाई में रिलेशन पता है तो ही मैं ये फटाफट से कर सकता हूं। और जब आप कोई भी एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपके पास कई सारी चीजें होती है याद करने के लिए, आपके दिमाग में जो है वो खिचड़ी बन जाएगी, और खिचड़ी बन जाएगी तो मैं नहीं चाहता कि आपको और भी ज्यादा चीजें याद करनी पड़े। तो हम सिंपल से मेथड से जो हो सकता है, अरे यार, इससे मुझे 30 मिनट लग रहा, सॉरी 30 सेकंड लग रहा है, इससे 50 सेकंड लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हमें ज्यादा टाइम डिफरेंस है, अगर ज्यादा टाइम डिफरेंस होता तो मैं आपको बोलता कि यही ज्यादा हमारा मेथड
अच्छा है, बाकी आप इससे तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, एक त्रिभुज दिया हुआ है हमें 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का, और हमसे पूछ रहा है कि उस त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या बताओ, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ। अब हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर डेल्टा बाय एस। डेल्टा क्या होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस क्या होता था, अर्ध परिमाप। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन वाले ने क्या किया, हमें तीन भुजाएं दी है, तो तीन भुजाओं से मैं अर्ध परिमाप निकाल सकता हूं। तीन भुजाओं से क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करता था मैं, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करता था। हमें दिया हुआ है ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी बराबर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले मैं एस निकालूंगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, तो 9 प्लस 12 21, 21 और 15 कितना 36, तो 36 बटा 2 हमारा कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। और जब मैं निकालूंगा इसका डेल्टा एरिया तो क्या होता था फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का वर्गमूल। तो देखो एस आ गया हमारा 18, जब 18 में से 9 घटाऊंगा तो 9 आएगा, 18 में से 12 घटाऊंगा तो 6 आएगा, 18 में से 15 घटाऊंगा तो 3 आएगा। अब जब भी वर्गमूल मुझे करना है तो एक तरीका तो क्या, सबसे पहले मल्टीप्लाई करूं उसके बाद सोल्व करूं, तो वो तो बेसिकली गधा करता है, ऐसे काम कौन करेगा गधा। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो अपनी थोड़ी बुद्धि, जो दिमाग के घोड़े हैं उनको दौड़ाएगा तो क्या करेगा, सबसे यही इनको सोल्व कर लेगा। कैसे, इस 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, सोचो आप, 3 3 9 9 2 18 लिख सकता हूं, इस 9 को क्या लिख सकता हूं 3 गुणा 3, इस 6 को क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 3, और इस 3 को मैं 3 ही रहने दूं। वर्गमूल क्या होते हैं, दो दो के पेयर, बना लो पेयर, 3 का एक पेयर ये बन गया, 3 का एक पेयर ये बन गया, 3 का एक पेयर ये बन गया, और 2 का पेयर एक ये बन गया। तो बेसिकली हमारा बाहर निकल के क्या आएगा, 3 3 3 और इन दोनों से 2, तो हमारा इसको अगर सोल्व करूंगा तो आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, सोल्व कर लो, 3 3 9 9 3 27 27 2 54, तो बेसिकली हमारा जो क्षेत्रफल आया वो आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा जो हाफ पेरीमीटर आया था अर्ध परिमाप वो आया था 18 सेंटीमीटर। तो बस इसको सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट करने 54 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 सेंटीमीटर, 18 2 36, 18 3 54, तो आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट डाला। ठीक है, तो हमारा जो त्रिभुज था उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आई 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन ने हमको क्या क्या दिया हुआ था, तीनों साइड दे रखी थी और हमसे पूछ रहा था कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ। अरे यार ये तो हमारे लिए बहुत लल्लू सवाल था, क्योंकि रवि सर ने क्लास में ऑलरेडी बता दिया था कि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती वो होती आर बराबर डेल्टा बाय एस, और अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई तो फिर उस वृत्त का भी मुझसे कुछ भी निकलवा, चाहे तो क्षेत्रफल निकलवा चाहे उसकी परिधि निकलवा, मैं इजीली क्या निकाल सकता हूं, उसकी कुछ भी मुझसे निकलवाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए, हमें दिया हुआ है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 16 पाई सेंटीमीटर। देखना अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 16 पाई सेंटीमीटर। अंतःवृत्त का सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखना अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, 16 पाई दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप मैं कब बता पाऊंगा, जब मुझे साइड पता है, हाँ कि ना। तो देखो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है तो जो इसमें रेडियस होगी वो किसकी होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या ही तो होगी, और हम जानते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, ध्यान देना समबाहु त्रिभुज पूछा है, समबाहु त्रिभुज बोले, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या ही थी वो क्या है ही थी a बाय 2√3, याद है कि नहीं है पुराने लेक्चर के, तो बस खत्म, पाई इंटू a बाय 2√3 का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है 16 पाई। अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पाई से पाई काट डाला, क्या आया
ए स्क्वायर बराबर 4 × 3 = 16, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 16 × 4 × 3, हाँ कि ना। देखो हमें क्या निकालना है, परिमाप बताना है, तो 16 × 4 × 3 कितना हो जाएगा, 16 × 16 = 32, 32 × 64, तो 16 × 16 आ जाएगा 64, और 64 × 3 कितना आ जाएगा देखना, 60 × 3 = 180, 4 × 3 = 12, मतलब कितना आ गया 192, हाँ कि ना। सबको समझ आ रहा है क्या किया मैंने, हमें दे रखा था एक समबाहु त्रिभुज, उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल मुझे गिवन था 16 π cm², तो मैं जानता हूं कि जब भी वृत्त बनता है उसका क्षेत्रफल होता है π r², अगर अंतःवृत्त समबाहु त्रिभुज का, तो उसमें रेडियस त्रिज्या हम कौन सी लेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती थी, a/√3 होती थी, तो देखो π × r की जगह मैंने रख दिया a/√3² और यहां पे 16 π as it is, पाई से पाई काट डाला, इसका स्क्वायर कर दिया, तो a² / 4 × 3 = 16, ठीक है, a² = इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 × 3 = 48, 48 × 4 = 40, 40 × 4 = 160, 8 × 4 = 32, तो 160 + 32 = 192। अब हमें तो क्या चाहिए, a चाहिए, हाँ कि ना। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में मुझे मिल रहा है स्क्वायर रूट में, ऑब्वियसली आएगा, देखो 192 का मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, 2 × 9 = 18, 1 उधर जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 48, 2 से डिवाइड करूंगा आएगा 24, 2 से डिवाइड करूंगा आएगा 12, 2 से डिवाइड करूंगा आएगा 6, 2 से डिवाइड करूंगा आएगा 3, तो देखो पेयर कितने बन गए मेरे, 3 पेयर 2 के, और 1 3 मेरा क्या बन गया एक्स्ट्रा में, तो बेसिकली a बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 192, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 2 × 2, और 3 बच गया, तो वो किस में आ जाएगा स्क्वायर रूट में, हाँ कि ना। देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो बेसिकली a की वैल्यू आ गई 8√3 cm, हाँ कि ना। अब ध्यान दो, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती है समान, तीनों भुजाएं समान होगी और परिमाप निकाल रहा है, तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, परिमाप क्या होता है साइड का योग, हाँ कि ना, तो तीनों भुजाएं जुड़ जाएगी, तो देखो मैंने आपको बताया भी था ये समबाहु त्रिभुज है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, और हमें क्या निकालना है इसका परिमाप, तो a + a + a मतलब कितना 3a, तो परिमाप आ जाएगा हमारा 3a, 3 8 × √3, आंसर आ गया 24√3 cm, हाँ कि ना। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्लियर है, पूरा समझ आ रहा है आपको अभी तक जितना हमने पढ़ा है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे देखिए एक बार, समझने का ट्राई करें, अगर आपसे बनता है तो बहुत ही बढ़िया, वीडियो को पॉज करें, करने की कोशिश करें। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है उसके हमें परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है कितना 88 cm² और हमसे उस समबाहु त्रिभुज का हमसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, सिंपल सा क्वेश्चन है हम कर देंगे। देखो हमसे पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दो जब समबाहु त्रिभुज हमने देखा था तो परिवृत्त की त्रिज्या को मैंने कैपिटल आर से नोटेशन दिया था, अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से नोटेशन दिया था, तो हमें बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आई थिंक, चलिए हमें बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 88, तो इसका मतलब π r² - π r² = 88, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये क्यों किया, ये परिवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना 88, पाई कॉमन ले लूं, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, मतलब 22/7 कॉमन ले लूं, हाँ कि ना। ध्यान दो समबाहु त्रिभुज में जो परिवृत्त होता था उसकी त्रिज्या क्या होती थी a/√3, तो बेसिकली यहां क्या आ जाएगा a² / 3, अरे a/√3² मतलब a² / 3 माइनस r² a/√3² मतलब a² / a/√3² तो 4 × 3 मतलब 12, हाँ कि ना। अब थोड़ा हम हवा में कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम भी देना है हवा वाला ही, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, टाइम ज्यादा मिलेगा नहीं, तो हमें हवा में सोल्व करना सीखना पड़ेगा, 22 × 88 काट दिया
देखो क्या बचा, 1/7, यहां से कॉमन आ जाएगा 12, 3 4 12, तो 4a² - a² बराबर कितना 4, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या बन गया, 1/7 3a² / 12 बराबर 4, 3 से 12 को कितनी बार काटा 4 बार, तो बेसिकली ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 × 4 × 7, 4 × 4 × 7, 7 × 28, 28 × 4 कैसे करेंगे, 20 × 80, 8 × 32, 80 + 32 कर लो मतलब 112 क्या आ गया ए स्क्वायर। हमसे क्या पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, √3/4a², तो √3/4 × 112, 4 से काट डाला, 4 × 2 = 8, 3 × 4 = 32, आंसर आ गया 28√3 cm². ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इतने सिंपल टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, और ये सब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको ये आपके SSC में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो जो RPSC होती है, RMSS भी होती है, क्या करती है जनरली, जो प्रीवियस ईयर में आए होते हैं SSC के थोड़े सिंपल लेवल के, वही तो क्वेश्चन पूछती है, इनका जो आप हिस्ट्री देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमागत संख्या एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब समकोण त्रिभुज का आ गया, तो एक फटाफट से मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि जो समकोण त्रिभुज होता है, देखना ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने वाले को मैं बोलता हूं कर्ण, और एक होता है नीचे आधार, और साइड वाला होता है लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो जब भी समकोण त्रिभुज बने, राइट एंगल ट्रायंगल बने, तो उसमें एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाँ कि ना। अब कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं वो हमें याद रख ले तो हम ज्यादा बेटर है, उनको बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिक। तो वो 3 वैल्यू ऐसी होती है, पॉजिटिव इंटीजर वैसे होते हैं, अगर मैं राइट हैंड साइड में रखूं और यहां लेफ्ट हैंड साइड में 2 वैल्यू रखूं, तो वो क्या करती है, हमेशा एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं लूं यहां पे 5, यहां पे लूं 3, यहां पे लूं 4, देखो स्क्वायर करो कितना आएगा, यहां से 25 आएगा, यहां से 9 + 16, 25 = 25, ठीक है। अगर मैं लेता 10, यहां लेता 6, यहां लेता 8, मतलब आधार ले लेता 6, लंब ले लेता 8 और कर्ण ले लेता 10, तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसी वैल्यूज जिनके लिए पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है, हमेशा प्रूव होती है, मतलब उसको वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिक, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से वैल्यू हैं, तो उनको मैं आपको लिख देता हूं, आपके यहां पे स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपल्स हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 20, 21, 29, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपकी टेबल आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, मैं आपको मेन बता रहा हूं जो हमारे यूज होने वाले हैं, देखना इसमें पक्की बात है कि ये जो 5 होगा ये किसका काम करेगा, कर्ण का, ये 10 किसका काम करेगा, कर्ण का, ये 29 किसका काम करेगा, कर्ण का, और ये 13 किसका काम करेगा, कर्ण का। तो हम ये भी जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो देखो इनमें सबसे बड़ी भुजा जो होंगी वो किसका रोल प्ले करेगी, कर्ण का, हाइपोटेनस का। चलिए अब क्वेश्चन से हम समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिफ्थ नंबर का, कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं वो क्या कर रही है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसकी तीनों क्रमागत भुजाएं किसमें हैं, समकोण त्रिभुज में, तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। अब ध्यान दो, हमने जो अभी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरियन ट्रिपल्स पढ़े उनमें क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे मैं बोल दूं कि 2 के बाद क्रमागत 3 पद लिखें, तो 2 के बाद क्रमागत 3 पद क्या हो जाएंगे, 3, 4, 5,
5, हाँ कि ना? ठीक है, कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव। अब देखो यहां पे बोला कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी है, क्रमागत। तो ध्यान दो, जो हमने अभी पाइथागोरियन ट्रिपल्स देखे उनमें क्रमागत ऐसा कुछ आ रहा था क्या? तीन ऐसे नंबर थे क्या जो लगातार थे? बताओ कौन कौन से थे? 3, 4, 5, वो पाइथागोरियन ट्रिपल्स था। तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स था इसका मतलब वो नंबर किसका फॉर्म करते? समकोण त्रिभुज का, हाँ कि ना? उन भुजाओं से कौन सा त्रिभुज बनता? समकोण त्रिभुज। तो देखो इस क्वेश्चन को सिंपल उड़ा देंगे हम। कैसे उड़ा देंगे देखना। सम क्या है? यदि तीन क्रमागत संख्या एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है, तो देखो तीन क्रमागत संख्या मतलब ये 5, ये 3 और ये 4, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये तो पक्की बात है 5 रहेगा। देख लो हमसे क्या पूछा, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है? साइडों का योग। 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो 12 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा आंसर। एक तरीका क्या, बच्चा बोलेगा सर मेरे को तो मेथड बताओ, मैं तो मेथड से करूंगा। तो देखना क्या हो जाता, हमें बोला कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसमें है, क्रमागत है और समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। क्रमागत है, मान लिया ये x है तो ये x प्लस 1 और ये भी कैसी होगी x प्लस 2, क्योंकि तीनों क्या है क्रमागत। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रही है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसको सोल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते, यहां से हम x की वैल्यू पुट करके तीनों भुजाएं निकालते, उसके बाद क्या करते तीनों को जोड़ देते, वही हमारा क्या हो जाता परिमाप। ठीक है, तो ये मेथड है, ये आप कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया, पर हमें ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है तो हम उसी वे में पढ़ेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन। एक त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है हमें, कितना? 70 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला है यदि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 29 सेंटीमीटर है। क्या बोला है? सबसे बड़ी भुजा कितनी? 29 सेंटीमीटर है। याद करो मैंने अभी आपको जो पाइथागोरियन ट्रिपल्स पढ़ाए, क्या उसमें 29 था कहीं? बिल्कुल था। क्या था? 20, 21, 29, मतलब 29 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, हाँ कि ना? करके देख लेते हैं, अगर सबसे बड़ी भुजा 29 है तो पक्का यही होगा। चेक करते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है भी क्या नहीं है, या जो हमने साइड मानी है वो एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। क्या बोल रहा है? त्रिभुज का परिमाप 70 है, जोड़ के देखो 29 प्लस 20 कितना? 49 प्लस 21 70, मतलब पहली चीज तो हमारी सेटिस्फाई हो रही। उसके बाद क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल 210 है, तो ये अगर समकोण त्रिभुज थे तो हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई, तो हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 से 10 बार आ रहा है 210, आ रहा है हमारा 210, और हमसे क्या पूछा है? छोटी भुजा की लंबाई, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, तो देख रहे हो आप पाइथागोरियन ट्रिपल्स आपको बताए तो आपके लिए चुटकी का क्वेश्चन हो गया, वरना लगाओ मेथड 5-7 मिनट लगाते इसमें, आप सोल्व कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी बात थी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ये क्वेश्चन कि आपको माइंड में ये हिट करें क्वेश्चन कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और हम इनको मतलब विद इन सेकेंड उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सिंपल क्वेश्चन आता मैं बताता नहीं तो आप एग्जाम में करते, ऑब्वियसली बातें करते, लेकिन 5 मिनट लगते इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है, अभी हमने क्या किया, विद इन मिनट इस क्वेश्चन को उड़ा दिया। ठीक है, तो आज इतना ही हम करेंगे, बाकी आई होप कि आपको ये पूरे वीडियो जितने भी मैंने अभी तक बनाए, आई थिंक आज मेरा 5वां लेक्चर था आपके मेंसुरेशन का, तो आपको पूरे वीडियो समझ आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किन किन चीज़ों की और क्लास लगवाने का मन है हमसे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी समर्थ क्लासेज है, मैं सिंगल वन मैन आर्मी हूँ अभी। ठीक है, अगर आप फिर भी अगर मुझसे करेंगे कि सर और भी क्लासेस लगवाएं, इंग्लिश के लगवाएं या कंप्यूटर के लगवाएं, जिसकी भी कहेंगे मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सजेशन देना पड़ेगा, आपको हमारा थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।